अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जी आप सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और 10:30 और 11 बजे का टाइम हो गया और मैं बनाने लगी हूँ पेठे का हलवा आप लोगों के साथ कर रही हूँ शेयर। तो यकीनन आप लोगों को भी पसंद आएगा, लेकिन उससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, आप लोग जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो भी न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली। ओके, तो सबसे पहले मैंने ऊपर रखा पतीला और एक दो मेरे ख्याल से 2-3 घंटे हो गए हैं और मैंने ये जो ना वो सारा बैटर था इसका वो क्रश करके उसके अंदर मैंने चीनी ऐड करके थोड़ा सा उसको मेल्ट होने के लिए रखा था, तो काफ़ी इसने पानी छोड़ दिया है। तो अभी इसको हम लोग पकाएंगे। ये देखिए आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा पानी, तो ये हम लोगों ने खुश करना और ताकि ये नरम हो जाए, इसके अंदर जो चीनी थी ना वो सारी इसमें मेल्ट हो गई है। तो खैर अभी हम इसको जो है इसमें ऐड करते हैं। ये मैंने तो मशीन से किया है, मेरे पास मशीन अवेलेबल है, लेकिन अगर आप लोगों के पास मशीन नहीं है तो आप हैंड वाले जो है ना क्रशर के साथ भी कर सकते हैं उसको, तो उसके साथ भी इजीली था, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। खैर आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 घंटे तो लाजमी देना इसको रेस्ट, ताकि जो चीनी आप लोग इसमें डालें ना तो उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सही हो गया, अब इसको साफ़ करते हैं ताकि रिजक ज़ाया नहीं हो। सही हो गया। तो आज मौसम जो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई बारिश नहीं है, कल बारिश होती रही है, तो अभी जल्दी जल्दी जो है मेरा वैसे इरादा था कि कल बनाएंगे, लेकिन कल आपको पता है कि भाई ने बिरयानी बनवाई थी, हम लोगों ने बस वही खा ली, तो और हम जो है वो टाइम से पहले खाने आ गए। अभी तो बना ही नहीं बेटा, पीछे बना रही हूँ मैं, बनाती हूँ। तो ये जल्दी जल्दी मैं इसके अंदर जो है ना डालती हूँ, अभी फ्री होते हैं। चले जी, ये इसके अंदर सारा मैंने ऐड कर दिया और अब वेट करते हैं इसका पानी खुश्क हो जाए जल्दी से। जब इसके ऊपर मैं इसको कवर कर दूंगी ना तो पानी और भी ज़्यादा हो जाएगा भाप की वजह से, तो चले जल्दी से इसको कवर करते हैं और आपसे मिलते हैं 10 मिनट के बाद या 5 मिनट जब थोड़ा सा पानी नॉर्मल रह जाए उस टाइम। जी तो मुझे हलवा बनाते हुए तकरीबन 10-15 मिनट हो गए हैं और ऐसी कंडीशन हो गई है, इतना इतना पानी अभी भी बाकी, आप लोगों को गिरता हुआ नज़र भी आ रहा होगा। तो ये मैंने बिल्कुल ही खुश्क करना है और दूसरी साइड पे भी अभी हम लोग सूजी जो है थोड़ी उसकी भुनाई करेंगे और उसके बाद उसको सेपरेट रख देंगे। जब ये पानी बिल्कुल खुश्क होगा तो इसमें घी ऐड करेंगे और उसके बाद जो है इसको 5-10 मिनट फिर पकाएँगे, और जो थोड़ा सा मैंने नारियल क्रश करके रखा हुआ वो इसमें मिक्स करूँगी और उसके बाद जो है सूजी मिक्स करके 2-3 मिनट फिर बनाऊँगी और उसके बाद जो हलवा माशाल्लाह रेडी हो जाएगा। ये देख लें बड़ी प्यारी लुक आ रही है माशाल्लाह। चलें जी, मैं उतनी देर में पतीला रखती हूँ नीचे। तो पतीला मैंने इधर रख दिया, दूसरा कढ़ाई रख दी है मैंने बुनाई के लिए सूजी की, और उसके बाद जो है नीचे आग जलाते हैं और उसके बाद जो है ना बिल्कुल इतनी सी हल्की सी आंच, आप लोगों को महसूस भी नहीं होगी, इतनी सी आंच पे हम लोग जो है ना सूजी को भुनेंगे और उसको सेपरेट ठंडा होने के लिए रखेंगे, थोड़ा सा ना नॉर्मल हो जाएगी। ये भी हो रहा है और साथ में ये काम भी हम लोग अभी करेंगे और आप लोगों को दिखाते हैं आपके भाई अंदर क्या कर रहे हैं। वो लैपटॉप लेके बैठे हुए खैर अपना काम कर रहे हैं, तो हम लोग जल्दी से ये करते हैं, बच्चे उनके पास है तंग करेंगे। ये एक पाव सूजी है, इसको हम लोग अच्छे से भून लेंगे, इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म करेंगे और उसके बाद जो है ना फिर हलवे में शामिल करूंगी। आग को तेज़ नहीं करना आप लोगों ने, वरना जो है ना सूजी बाहर से आप लोगों को कलर चेंज कर देगी लेकिन वो भुनी हुई नहीं होगी। आप लोग हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल हल्की सी आंच पे इसको पकाएंगे ताकि इसका अंदर से जो कच्चा पान है ना वो ख़त्म हो और फिर खाने में ना दरदरा सा महसूस ना हो, बिल्कुल ऐसे मेल्ट जैसे बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाती है। वैसे हम लोग मुसद्दे नहीं लगाते हैं,
कोई चीज़ बनाए तो फिर ऐसे बिल्कुल आप लोगों ने बुनाई करनी है उसको मुसलसल हला हला के, ये नीचे नहीं लगनी चाहिए क्योंकि आग बिल्कुल हल्की है तो इसमें जलने का ख़तरा नहीं है। इधर देखते हैं क्या कंडीशन है, ये देखिए अभी इसमें पानी है तो ये अभी और बनेगा, जब तक ये बिल्कुल खुश्क नहीं होगा ना तब तक मैं ऐसे हिलाती रहूँगी इसको थोड़ा, बिल्कुल ऐसे कवर नहीं करना वरना वो पसीना जो है ना ढक्कन का फिर अंदर जाएगा। तो बस नॉर्मल आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा इसने यहाँ पे गैप आप लोगों ने लाजमी रखने और ऊपर से कवर भी करना है क्योंकि कोई ना कोई चीज़ अंदर ना चली जाए खाने के, लेकिन ये भी रखना है कि बिल्कुल कवर नहीं होना चाहिए, अगर बिल्कुल कवर होगा तो पसीने से जो पानी की मिकदार जो ज़्यादा हो जाएगी। ये देखिए अभी मैं सूजी जो है भून रही हूँ तो ये मैं भून के इंशाल्लाह आप लोगों से बात करती थी। हाँ जी, तो सूजी भी भून गई है और दूसरा जो है ये टेक्सचर भी जो बैटर आप लोगों को मैंने दिखाया है पेठे का ये भी तैयार हो गया, अब इसमें इसको शामिल करते हैं। थोड़ा गर्म है तो एहतियात से पकड़ना पड़ेगा, ये ना हलवे के शौक में हाथ ही जल जाए। ये मैंने तकरीबन 20-25 मिनट जो है इसकी बुनाई की है बहुत ही हल्की सी आंच पे ना, ये जल दीजिए पीछे जो और हम ये 1.5 किलो पेठा था और जो 1 पाव थी सूजी, अब इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं और उसके बाद जो ये मैंने नारियल कद्दूकश किया हुआ था। हाँ जी, तो तैयार हो गया है पेठे का हलवा, तो अभी आपके भाई को चेक करवाते हैं, पहले मैं ये थोड़े बर्तन समेट लूँ उसके बाद आप लोगों से बात कर। A few moments later कि तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा सा ज़ुकाम की शिकायत हो गई है। अयान और अरम को मैंने अभी नहला के फ्री हुई हूँ बस, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ बाकी का जो ब्लॉग है बाकी की वीडियो जो रहती है वो आप लोगों से कम्प्लीट करें। तो अब इनसे पूछते हैं आपकी तबीयत ठीक होगी कि नहीं, ये क्या है? क्या हुआ? माइक है। तबीयत अभी कुछ मेडिसिन ली नहीं है तो कैसे ठीक हो जाएगी? नहीं, मैंने तो आपको बोला है कि मैं कावा बना देती हूँ। असल में अभी रात शाम को तो वीडियो बनाई थी हमने, व्लॉग बनाया था ना, तब ठीक थी, अब थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम हो रहा है तो अभी इंशाल्लाह कुछ मेडिसिन वगैरह लेती हूँ, अल्लाह बेहतर करे। चले मैं ना अभी इनको सर्व करके थोड़ा सा हलवा आप लोगों को टेस्ट कर ली, मैंने बड़े नखरे दिखाए हैं हलवे की वजह से। बनाई, व्लॉग बनाया है उसका? हाँ मैंने बनाया है, तो मैं आज आपको दिखाती हूँ, आप चेक करके लाइव जो आपके ना दिल जो मान लो ना आपने वो रिव्यू देना है। नहीं, दिल जो माने देख बाद ही पता चलेगा। अच्छा जी, हलवा मैंने बना दिया, आप लोगों ने तो खैर लुक देखी है तो इन्होंने अभी जो देखनी है। खुशबू अच्छी आ रही माशाल्लाह। तो अभी जो है रुको से बाबा को चेक करने दो बेटा, आपके लिए डाल रहा हूँ, आपके लिए, आपको दूंगा, आपको दूंगा, आपको देंगे, आपको दूंगा, ये लो। चलें जी आप चेक करें। हाँ आपको भी दूँ, ये ले। सबसे पहले जो है ना छोटे नन्हे मियाँ चेक करेंगे कैसा बना है, अच्छा बना है। इसके इंप्रेशंस आप लोग चेक कर सकते हैं, छोटा सा बच्चा है जो बच्चा मन का सच्चा उससे आप अंदाजा लगाए। सही बताऊं? वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ है सच में, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि मैंने कभी ये पेठे की सब्ज़ी नहीं खाता तो हलवा तो दूर की बात है, तो लेकिन माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना है
तो ये व्लॉग में बताया भी है इन्होंने कैसे बनता है। हाँ जी, तो बाज़ औक़ात लोग जो ना वो अकेले मिर्ची का बना लेते हैं, लेकिन मैंने सूजी इसमें इसलिए ऐड किया ताकि आपके भाई जो है ना इजीली खा ले, उनको थोड़ा सा नखरा भी ना हो पेठा खाने में, तो थोड़ा सा मैंने सूजी इसलिए इसमें भून के ऐड किया, लेकिन टेस्ट अच्छा आता है सूजी से ना, थोड़ा सा दानेदार सा बन गया है। नहीं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है और अच्छा भी है और मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा बना है। तो मैं तो आपको मशवरा दूंगा आप ज़रूर बनाएं और खाएं, माशाल्लाह बहुत अच्छा जायका भी है और लजीज भी है। सावन को पसंद आएगा बेगम के हाथ का बना हुआ पेठे का हलवा, तो आप लोग भी ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, घर में बनाएं आप लोग, यहाँ भी हमें भी ज्वाइन कीजिए। और मेरा बेटा जो मुसलसल तंग कर रहा है हमें और ब्लॉग में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकती है, इसके लिए माजरत। तो आप लोग भी बनाएं अपनी फैमिली के साथ, इंजॉय करें, खुद भी खाएं, क्योंकि बारिश के मौसम में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कल बना लेते लेकिन कल जो था ना चावल वगैरह बनाए थे, इसलिए मूड ही नहीं बना हमारा बनाने का। तो खैर आप लोग इंजॉय कीजिए, दरवाज़ा नॉक हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। ठीक, तो ये तो जा रहे हैं और मुझे भी मेरा ख्याल है जाते थे, क्योंकि बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और खाएँ आप लोग भी हमारे साथ, दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा प्यार और दुआएं सब बहन भाइयों के साथ, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।